नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर केरल में कांग्रेस का प्रदर्शन। लोकसभा से राहुल गांधी की अयोग्यता के विरोध में वायनाड जिला कांग्रेस कमेटी के प्रमुख एनडी अप्पाचन ने कहा कि पार्टी शनिवार को ब्लैक डे मनाएगी। राहुल गांधी केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थे। इससे पहले केरल में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई जल्दबाजी और राजनीति से दोस्तों प्रेरित है। राहुल गांधी की अयोग्यता के खिलाफ सैकड़ों लोग विभिन्न शहरों में सड़क पर उतर आए हैं। वायनाड निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न शहरों में कालपेटा के विधायक टी सिद्दीकी, जिला पार्टी अध्यक्ष एनडी अप्पाचन और कई अन्य दोस्तों स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन कर दिया है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। केरल से विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला भी मौजूद हैं। कालपेटा में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बीएसएनएल के कार्यालय में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। फिलहाल पुलिस ने कुछ कांग्रेस समर्थकों को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में यूथ कांग्रेस ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर भी विरोध प्रदर्शन किया है। वे हाथों में बैनर लेकर ट्रेन पर चढ़ गए हैं। रेलवे को बाधित करने की दोस्तों कोशिश की जा रही है। उधर एलओपी ने कहा कि राहुल गांधी को लोकसभा में सांसद पद से अयोग्य ठहराने का आदेश जल्दबाजी और राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस राजनीतिक और कानूनी रूप से लोकसभा सचिवालय की कार्यवाही का सामना करेगी। सतीशन ने कहा कि सूरत की अदालत का फैसला अंतिम नहीं है। कांग्रेस लोकतंत्र और कानून के शासन में विश्वास करती है। देश में एक कानूनी व्यवस्था है जो सुप्रीम कोर्ट तक फैली हुई है। राहुल गांधी कानूनी रास्ते से वापस आएंगे, इससे न राहुल को चुप कराया जा सकता है और न ही कांग्रेस को। अब दोस्तों हम लोकतंत्र और धर्म निरपेक्ष मूल्यों के लिए आवाज उठाएंगे। बता दें कि बीते शुक्रवार को राहुल गांधी को उनको दोस्तों मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा मिलने के बाद लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया है। दरअसल सूरत कोर्ट द्वारा गुरुवार को राहुल गांधी को कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान 2019 में की गई उनकी मोदी उपनाम दोस्तों टिप्पणी पर मानहानि के मामले में 2 साल कैद की दोस्तों सजा सुनाई है। उसके बाद में सांसद अयोग्य करार दिए गए हैं, जिसके बाद इनके समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबर। राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आप अपनी